ये वो बुक है जो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के पास होती है। मोस्टली ये बुक को सब जानते हैं, ल्यूसेंट की बुक। और इसको पढ़ते टाइम क्या क्या गलतियां होती हैं, फिर क्या वो ऐसी टेक्निक है, कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके जो आउटपुट है वो ज़्यादा आएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब आप ये बात मुझसे क्यों पूछो, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे भी जब RRB का एग्ज़ाम देता तो 100 out of 100 मार्क्स आए थे, CHSL में मार्क्स आए थे, GD में भी 94 थे 100 out, तो बाकी सारे मैंने वीडियो में बता रखा है वो तो। मगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर 5 में से आप 5 के 5 फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अगर 5 में से आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो ज़रूर वो पॉइंट को फॉलो कीजिए। मैं यकीन से बोल रहा हूँ आपको कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। और वो स्टूडेंट एक चीज़ और, मुझे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ओली बोर्ड लेकर आया है आप सभी के लिए 100+ टाइपिंग टेस्ट, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ओली बोर्ड की तरफ से 100+ टाइपिंग टेस्ट हैं। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ साथ जितने भी आपके एरर परसेंटेज और सब कुछ जो है आप डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, यहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मंजिल नहीं मिल जाती ना तो रुकना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल मोटिवेशन हाई रखना है। और मैं बताऊंगा आपको कि वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसको आपको फॉलो करके ल्यूसेंट में ज़्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहले आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको जो है ना रैंडमली नहीं बैठना है, जब जो मन करा पढ़ लिया, जितने पेज करें पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना। आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट कभी भी आपका जो है ना टाइम में नहीं होना चाहिए, टाइम में नहीं होना चाहिए। 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, गलत होता है ये अप्रोच, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि घंटे से क्या होता है कि हमने लगाया कि 2 घंटे पढ़ना है, हमें ये पता ही नहीं कितना पढ़ रहे हैं 2 घंटे में। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए या तो पेजेस वाइज होनी चाहिए, पेजेस या फिर टॉपिक, ठीक है। या तो आपको पता होना चाहिए आपको 4 पेज पढ़ने हैं, 5 पेज पढ़ने हैं, पेज का आपको टारगेट रखना है डेली ल्यूसेंट में, ठीक है, कि इतने पेज मुझे पढ़ने हैं। या फिर आपको टॉपिक्स जो होते हैं ना टॉपिक कवर करने हैं कि मेरे को जो है आज ये वाला वंश खत्म करना है, आज मुझे तुगलक वंश पढ़ना है, आज मुझे सारी बीमारियां पढ़नी है, ठीक है, इस तरीके से आज मुझे ऐसा यूनिट करने है। तो जो है टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, टास्क में, टास्क बदलना पड़ेगा आपको जो है, टाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा टास्क में। या तो आप पेज वाइज कीजिए कि मेरे को इतने पेज का टारगेट है इतने ही करने हैं, या फिर आपको जो है टॉपिक वाइज करना पड़ेगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, चलते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, कल को ज्योग्राफी पढ़नी है, परसों को पॉलिटी पढ़नी है, ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखो, हमेशा आपको जो है कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमेशा 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। कि अगर आप दो सेशन लेते हैं, मान लो एक सेशन मॉर्निंग में लेते हो, एक सेशन इवनिंग में लेते हो, तो मॉर्निंग में आप हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, और इवनिंग में आप ज्योग्राफी पढ़ो, या फिर पॉलिटी पढ़ो, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स पढ़ो, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ो, साइंस पढ़ो, मगर स्प्लिट कर करके पढ़ो। कभी भी एक दिन में एक सब्जेक्ट को लेके मत चलो, 2 सब्जेक्ट को लेके चलो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका आउटपुट ज़्यादा आता है, आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपका बोरिंग भी नहीं लगती वो चीज़ें, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को कभी भी लेके मत चलो। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि अपना टारगेट बना लेंगे कि मेरे को 3 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है। अब उसमें 3 घंटे में क्या होता है, किसी की फ़ोन कॉल आ गई, कुछ व्हाट्सएप पर बात कर ली, इधर उधर टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता। तो उससे अच्छा है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बनाएं कि हाँ देखो इस टाइम मेरे को जो इतने पेज कंप्लीट करने हैं या फिर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो टॉपिक और जो है टास्क में चेंज करना है आपको टाइमिंग को, ठीक है, उसी के साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और हमेशा दिन में 2 सेशन बांटने, अगर आप GS के लिए 3 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे, तो 1.5 घंटा और 1.5 घंटे के 2 सेशन लगाओ, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करो कि दिन में एक ही साथ 3 घंटे पढ़ने बैठ गए, या तो 3 घंटे को आप डिवाइड करो 1.5 1.5 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे पढ़ते हो तो 1 1 घंटे में, 5 घंटे पढ़ते हो तो 2.5 2.5 घंटे में, स्प्लिट करके अपने टाइमिंग को, और एक सब्जेक्ट के बजाय 2 सब्जेक्ट को पढ़ो। ये अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी, मेरी गारंटी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उसको 10 दिन फॉलो कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो है आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर चलते हैं हम आगे इसके,
तो प्रीवियस ईयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी दुनिया, मतलब किसी भी चीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बताऊंगा इन पांच टॉपिक्स में से, तो प्रीवियस ईयर है। क्यों प्रीवियस ईयर है? कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एनटीपीसी एग्जाम दिया है बताओगे प्रीवियस ईयर की, क्योंकि इतने क्वेश्चन रिपीट हुए ना एनटीपीसी में, इतने क्वेश्चन रिपीट हुए कि मतलब मजा आ गया होगा जिसने प्रीवियस ईयर ढंग से कर रहा होगा। इससे फायदा क्या मिलता है? प्रीवियस ईयर करने से आपको पता होता है कि जैसे आप एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम आपने दिया है, तो आपको पता है कि वो बार बार पूछ रहा है कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है। अगर वो ये क्वेश्चन उसने पिछले साल पूछे हैं तो इस साल भी वो इससे रिलेटेड ही पूछेगा, ठीक है। ग्रुप डी में अगर उन्होंने साइंस के पीरियोडिक टेबल वगैरह से पूछे हैं, मेडिकल पूछे हैं, पीरियोडिक टेबल से पूछे हैं, तो वो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आप किसी से भी, किसी के भी कुछ भी कर लो, किसी से भी टेस्ट लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, मगर आप जो है प्रीवियस ईयर से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिल पाएगा। आपको पता है कि अगर एक वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि वो किसी साउथ की डायनेस्टी की राजधानियां पूछ रहा है कि पल्लव की राजधानी क्या थी, ठीक है, चोल की राजधानी क्या थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो अगले साल भी थोड़ा आसपास का पूछ सकता है। और काफ़ी सारे तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के आप लूसेंट में से वो टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने बता दिया आपको कि इसमें टाइम वाइज नहीं पढ़ना, आपको आपको जो है टास्क बनाना है पेजेस वाइज या फिर टॉपिक वाइज, सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के साथ चलेंगे, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि दो सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे। सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने कि वो SSC की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो कोई रोल ही नहीं जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा। अभी NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को UN UNESCO जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में वो है। लूसेंट की बुक लेके काफ़ी कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में होता ही नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स या फिर DRDO मिशन मिसाइल, ये आपको कब पढ़नी है? जब आप NTPC का दे रहे हैं। आपको ज़्यादातर फोकस साइंस में या फिर जो अदर्स जो चीज़ें होती हैं इन्वेंशंस वगैरह, इन सब में कब ध्यान देना है? जब आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मनपसंद जॉब है जो है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपको देना है उस एग्ज़ाम के मुताबिक आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए ये चीज़ जो है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि उनको सिलेबस ही नहीं देखते वो, मगर जो पढ़ने से मतलब है वो खुली और शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपको सिलेबस जो आपका फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, उसी के हिसाब से अपना टारगेट बनाएंगे जो पॉइंट नंबर वन था और ये पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर लास्ट मेरा पॉइंट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते, थोड़ा सा उनको जो है ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? ये आपको काम आते हैं लास्ट में। समझो कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक बी है। ये क्या करता है, स्टूडेंट कभी नोट्स नहीं बनाता, तो ये इस तरीके से पढ़ाई करता चला जाता चलता है, ठीक है, मगर ये जो स्टूडेंट नोट्स बनाता है ना तो ये धीरे चलता है, मगर जब ये नोट्स इसकी रिवीजन की बारी आती है तो इसकी स्पीड जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब रिवीजन का टाइम होता है ना, जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, आपका पेपर 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद, एक महीने बाद आपका एग्जाम है, और आपने नोट्स ही नहीं कंप्लीट किए क्योंकि नोट्स है ही नहीं आपके पास, आप वापस से बुक में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बुक से ही पढ़ोगे दोबारा तो फायदा क्या? बुक पढ़ लिया आपने एक बार दो बार, थर्ड टाइम जब वो आपको बुक की जरूरत न पड़े, आपके पास बुक का जो कोर है बिल्कुल ठीक है, नोट्स आपके पास होने चाहिए कि एक ओवरव्यू के लिए फटाफट आप जो है 15 दिन में, एक महीने में आप जो है पूरी बुक का जो कोर कंटेंट जो है, मेन चीज जो है वो आपको निकाल सको, ठीक है। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी बुक को दोबारा से रिवाइज करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें से जो आपने पढ़ा है, जो मेन चीज़ें होती हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, वो आपको निकालनी है, उससे आप जो है आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये पांच पॉइंट्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सब के सब, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप इसको फॉलो करके देखिए, 10 दिन आप इसको फॉलो करके देखिए, 10 डेज, ठीक है, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आने लगेगा, काफ़ी चीज़ें जो है आपको बदली भी नज़र आएंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिलकर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी को बनाती हैं। और इस बुक में से अगर रैंडमली पढ़ने बैठ जाओगे कि 2 घंटे पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है। इन पांच पॉइंट को साथ लेकर आप चलिए, और इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ ये पांच पॉइंट आप फॉलो करते हैं और इफेक्टिव है ये पॉइंट, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और अगर इसमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आप फॉलो नहीं करते तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा पॉइंट स्किप कर रहे थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।